इस गिफ्ट बॉक्स को ध्यान से देखिए, इस जूते को ध्यान से देखिए, अब इस पौधे को ध्यान से देखिए, अब इस पिज्जा को ध्यान से देखिए, अब इस आइसक्रीम को ध्यान से देखिए, और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा गिफ्ट बॉक्स देखा था। आपने इनमें से ये वाला गिफ्ट बॉक्स देखा था। और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन से जूते देखे थे। आपने इनमें से ये वाले जूते देखे थे। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा पौधा देखा था। आपने इनमें से ये वाला पौधा देखा था। और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा पिज्जा देखा था। आपने इनमें से ये वाला पिज्जा देखा था। और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सी आइसक्रीम देखी थी। आपने इनमें से ये वाली आइसक्रीम देखी थी। फ्रेंड्स, क्या आप इस मेमोरी टेस्ट में पास हो पाए? आप अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप जान पाए कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। एक दिन राहुल पुलिस के पास जाता है और बताता है कि मेरा पैसों का बैग चोर लेकर भाग गया। वो पुलिस को पूरा किस्सा बताता है। मैं मेरे घर से निकला था 2 लाख रुपए लेकर और बैंक की तरफ जा रहा था। तभी अचानक मास्क और ग्लव्स पहने एक आदमी ने मुझ पर हमला किया। उसने मेरा बैग छीना और भाग गया। पुलिस ऑफिसर राहुल के चेहरे पर एक चोट का निशान देखती है। उसमें से थोड़ा खून भी निकल रहा था। राहुल बताता है, उस चोर ने राइट हैंड में एक गोल्डन रिंग पहनी थी। हाथापाई में मुझे उस रिंग से चोट लग गई। पुलिस पूरा किस्सा सुनता है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि राहुल झूठ बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता चला कि पुलिस को कैसे पता चला कि राहुल झूठ बोल रहा है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता चला कि पुलिस को कैसे पता चला कि राहुल झूठ बोल रहा है? तो चलिए हम बताते हैं। राहुल ने कहा था कि चोर ने मास्क और ग्लव्स पहने हुए थे। तो उसे कैसे पता चला कि उसके राइट हैंड में एक गोल्डन रिंग थी, मतलब राहुल झूठ बोल रहा है और उसने एक झूठी कहानी बनाई है। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो क्या आप जान पाए कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए।
दोस्तों, क्या आप जान पाए कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। रोहन उसके पापा की एक ज्वेलरी की शॉप थी। रोज की ही तरह रोहन और उसके पापा अपनी शॉप बंद करके खाना खाने घर जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं, तभी उन्हें कांच टूटने की आवाज आती है और वो दोनों अपनी शॉप की तरफ तेजी से भाग के जाते हैं। रोहन और उसके पापा थोड़ी दूर से देखते हैं कि एक चोर ने उनके शॉप का कांच तोड़ दिया है। तभी वहां पर रोहन पुलिस को कॉल करके तुरंत बुला लेता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ जाती है और उस चोर को तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन चोर पुलिस को बोलता है कि मैंने तो इस शॉप से कुछ चुराया ही नहीं है, आप अगर चाहो तो मेरी जेब चेक कर सकते हो और मेरे कपड़े भी चेक कर सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। पुलिस उस चोर की चेकिंग बड़े ध्यान से करती है, लेकिन पुलिस को उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप पुलिस की मदद कर सकते हैं ये पता लगाने में कि चोरी हुई भी है कि नहीं? अगर चोरी हुई है तो चोर ने आखिर चुराया हुआ सामान कहाँ छुपाया होगा? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता चला कि चोर ने चुराया हुआ सामान कहाँ छुपाया होगा? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी दिन का समय है, लेकिन चोर ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ के रखा है। फ्रेंड्स, दिन के समय टॉर्च का क्या काम है? चोर ने जरूर चुराया हुआ सारा सामान टॉर्च के अंदर छुपाया होगा, और जैसे ही पुलिस उस टॉर्च को खोलकर देखती है, उसके अंदर से ज्वेलरी निकलती है। ज्वेलरी मिलने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेती है। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से पार्ट डिफरेंसेस कौन से है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये, और पांचवा डिफरेंस है ये। इस नेकलेस को ध्यान से देखिए, अब इस बिस्किट को ध्यान से देखिए, अब इस बैग को ध्यान से देखिए, अब इस बॉटल को ध्यान से देखिए, अब इस हैंडबैग को ध्यान से देखिए, और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा नेकलेस देखा था। आपने इनमें से ये वाला नेकलेस देखा था। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सी बिस्किट देखी थी। आपने इनमें से ये वाली बिस्किट देखी थी। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा बैग देखा था। आपने इनमें से ये वाला बैग देखा था। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सी बॉटल देखी थी। आपने इनमें से ये वाली बॉटल देखी थी। और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सी हैंडबैग देखी थी। आपने इनमें से ये वाली हैंडबैग देखी थी। दोस्तों, क्या आप इस मेमोरी टेस्ट में पास हो पाए? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। आपके सामने से एक ट्रेन आ रही है। उस ट्रेन के सामने दो ट्रैक है, ट्रैक ए और ट्रैक बी।
ट्रैक ए पर एक फैमिली है जिसमें मम्मी पापा दादा दादी और दो बच्चे हैं और वो सब उस ट्रैक पर बंधे हुए हैं और ट्रैक बी पर एक लड़की बंधी हुई है। ट्रेन ट्रैक का लीवर आपके हाथ में है जिसे आप ट्रेन को ट्रैक ए पर या ट्रैक बी पर भेज सकते हैं और उसमें से किसी एक को ही बचा सकते हैं, या तो उस लड़की को या उस पूरी फैमिली को। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आप किसे बचाएंगे, उस लड़की को या पूरी फैमिली को? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।